आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द ग्रासलैंड एंड कोनीफेरस फॉरेस्ट रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द मार्किंग ए टू एफ एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है, इनमें हमें ढूंढना है कि कोनीफेरस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड और कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है उनका सही पोजिशन देखिए। पहले हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, तो ग्रासलैंड का ऑप्शन कौन सा है और कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है उनका ऑप्शन कौन सा है, वो हम यहाँ पे ढूंढेंगे। तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जो दिए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रेनफॉल और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर इस हिसाब से। तो हम देखेंगे कि जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है लेकिन फॉरेस्ट जो वाटर है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो यहाँ पे ए जो है वो हो जाएगा डेजर्ट, ये हो जाएगा डेजर्ट। उसके बाद बी जो है देखिए वो होगा ग्रासलैंड, और वाटर एंड टेम्परेचर के हिसाब से अगर सी देखा जाए तो ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये सबसे ज्यादा वाटर की क्वांटिटी और टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो यहाँ पे सी जो है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके बाद डी के हम अगर बात करेंगे तो डी जो है वो है टेम्परेट फॉरेस्ट। इसके बाद ई की हम बात करेंगे, ई हो गए कोनीफेरस फॉरेस्ट। इसके बाद एफ जो है वो आर्कटिक और अल्पाइन। तो बात हो रही है यहाँ पे कोनीफर्स की और ग्रासलैंड की। तो ग्रासलैंड और कोनीफर इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे या फिर जो प्लांट्स होंगे, बात यहाँ पे प्लांट्स की हो रही है या फिर ऑर्गेनिजम्स की, जो भी स्पेसीज यहाँ पे होंगे उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं कोनीफर। तो कोनीफेरस फॉरेस्ट वहां पे होंगे कोनीफर्स, यानी कि कोन लाइक जो भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कोन जैसे इनके प्लांट्स होंगे और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कोनीफर्स। देखिए यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे ये हमें पाए जाएंगे, हाई अल्टीट्यूड, और इनका अगर हम लोकेशन देखेंगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाएंगे। इसे टाइगा भी बोलते हैं और ये अनटच्ड होते हैं, प्योर एंड अनटच्ड, यानी कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे होंगे कि यहाँ पे कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। टॉल होते हैं, एवरग्रीन, और इनमें आएगा पाइन या फिर सीडर। इसके बाद हम बोलेंगे ग्रासलैंड के बारे में, यहाँ पे बस ग्रासेस ही होंगे, ट्रीज वगैरह नहीं होंगे, 3 to 4 meter इससे ज्यादा इनकी हाइट नहीं होगी, और सवाना ग्रासलैंड ये इसके एग्जाम्पल है, सवाना ग्रासलैंड। अब यहाँ पे एनिमल्स के हम बात करेंगे तो वो होंगे जेब्रा, इसके बाद एलिफेंट, जिराफ, ऐसे जो एनिमल्स होंगे वो यहाँ पे पाए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो देखिए बी, यानी कि
यहाँ पे ग्रासलैंड के लिए बी होगा, और नेक्स्ट उन्होंने पूछा है यहाँ पे ग्रासलैंड एंड कोनीफर्स, तो कोनीफर के लिए ई, तो बी एंड ई ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर टू। तो ये है अपना सही आंसर, बाकी के आंसर्स हो गए गलत। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।